और आज वट सावित्री की पूजा की जा रही है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और उनकी पत्नी नम्रता पाठक ने घर में ही वट सावित्री की पूजा अर्चना की। इस दौरान नम्रता पाठक और उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक हैं, जो आज घर में तमाम धार्मिक अनुष्ठान में व्यस्त थे, परिवार के लिए भी समय निकाल रहे हैं। राजनीति में तो चर्चा होती है, आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन घर के मुख्यमंत्री से भी कुछ चर्चा हो जाए। आज जो है बरगदही की पूजा थी, आप लोगों ने पूजा अर्चना की, और कैसे तमाम लोगों को आप बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, जब से हमारी शादी हुई शुरू से हम इसी तरीके से पूजा करते आए हैं। आप सामाजिक होने के वजह से थोड़ा सा समय हम लोगों के लिए भी पूजा के लिए भी निकला है, और फिर अपनी बहनों को भी बधाई दी है। अभी जा करके अपना काम भी संपन्न करेंगे, क्योंकि ये पूजा उतनी ही देर की होती जितनी देर ये पूजा होती, उसके बाद सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जी, तो आप हैं तो राजनीतिक चर्चा भी थोड़ी होनी चाहिए। आज जो है प्रदेश कार्य समिति की बैठकों के अनुक्रम में अवध क्षेत्र और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की बैठक है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिस ढंग से कार्यक्रम संपन्न होंगे, केंद्र प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक कैसे पहुंचाना है, विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी, और फिर शाम को बैठक के बाद विस्तृत जानकारी आपको देंगे। अखिलेश यादव कहते हैं आप जो है पिछड़ा विरोधी, पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनके पास कहने को कुछ है नहीं, और जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। अच्छा, पिछली बार बहुत सारे ट्रांसफर जो हुए थे उसमें कई समस्याएं आई थी, इस बार नई ट्रांसफर पॉलिसी आ रही, बड़ी पारदर्शी तरीके से आप लोग अभी इंतजार करिए, और स्वच्छता पारदर्शिता के साथ हम लोग काम करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक थे, जो अपने परिवार कार्यक्रम में भी व्यस्त थे, धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था घर में, और उसी दौरान उन्होंने हमारे साथ समय निकाला और राजनीतिक विषयों पर भी चर्चा की। लखनऊ से उन्होंने समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। वट सावित्री के दिन आज महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा करते हुए अपने पति की लंबी उम्र की कामना की, साथ ही अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने की भी कामना करती नजर आई। इसी दौरान आज औरैया में कई जगहों पर महिलाओं ने वट सावित्री व्रत पूजन विधि विधान के साथ करते हुए वट वृक्ष की परिक्रमा की, और देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। बट सावित्री के नाम से पूजा की जाती है। आपने सुना होगा प्राचीन काल में सत्यवान को प्राण बचाने के लिए सावित्री देवी का व्रत रखा था, और ये युगों से पूजा चलती चली आ रही है। ये हमारी संस्कृति है, धर्म हम सब सनातन धर्म से हैं, हजारों वर्ष पहले से ये पूजा की जा रही है। अपने पति की लंबी आयु के लिए बट सावित्री का पूजन किया जा रहा है। और बात गाज